Welcome, welcome to Game Set Match, another day and the last show of this week. Friday शुरू हो गया है और Friday मतलब खत्म होने वाला है जब ये खत्म हो जाएगा हमारा शो. बट बहुत सारी डिस्कशन होनी है, हम क्रिकेट पे भी बात करें, बट ये पूरा वीक हमने डेडिकेट किया था पाकिस्तान हॉकी को, बिकॉज एशिया कप हॉकी वॉज गोइंग ऑन. पर कल पाकिस्तान हॉकी की जो है वो समझे एशिया कप में सफ़र ख़त्म हो गया. ना सिर्फ एशिया कप में, वर्ल्ड कप पहुंचने का जाने का भी सफर खत्म हुआ. इस हवाले से काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन आज भी होगी, बिकॉज टुडे इज़ द लास्ट शो ऑफ दिस वीक. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर. अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून आप सबको. वो कहते हैं ना कि इट्स नेवर अ वेरी इजी थिंग बीइंग अ पाकिस्तानी स्पोर्ट फैन, और स्पेशली अगर आप हॉकी के फ़ैन हैं तो फिर तो सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर हो जाती है. बिकॉज जैसे कि हम कल के प्रोग्राम, बल्कि सवेरा ने ठीक कहा, हमारा तकरीबन पूरा हफ्ता यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द एशिया कप, और हमें ये उम्मीद थी कि कम अज़ कम हम सेमीफाइनल स्टेज में तो पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे. बट अनफॉर्चुनेटली दैट डिड नॉट हैपन. हाउएवर रादर देन बींग ओवरली क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा तनकीद करने के बजाय हमारी कोशिश ये रही कि पाकिस्तान के हॉकी की इस वक्त जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर है वो आपके साथ शेयर किया जाए. मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वील बी रैपिंग अप आर डिस्कशंस ऑन हॉकी सवेरा, बट येस आई थिंक फॉर द मीन वाइल हम जो है वो एशिया कप के हवाले से अपने इन डिस्कशंस को आज कंक्लूड करेंगे. लेकिन हॉकी ये हमारा वादा है, हमारा कौमी खेल है, हमारे दिल के बहुत करीब है. इसका डिस्कशन आने वाले दिनों में हम जारी रखेंगे. तो सवेरा जो है वो हमें इंट्रोड्यूस कराएंगी जी आज कौन से दो बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं. बिल्कुल, गेस्ट को मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, बट साथ ही साथ अदील एक चीज मैं भी ये कहना चाहूंगी कि जब पार्ट टाइमली आप ज्वाइन इन करते हैं, पाकिस्तान हॉकी किसी इवेंट में जाता है उस वक्त आप बैक करते हैं, उसके बाद आप बैश करते हैं जब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती, तो वी शुड स्टॉप दैट. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गेम सेट मैच पे आपको पाकिस्तान हॉकी पे अब कंप्लीट फॉलो अप दिखेगा कि हम रेगुलरिटी में फॉलो अप कर सकें. और इस वक्त हमारे साथ जो है दो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एंड पाकिस्तान हॉकी मौजूद हैं. उन दोनों को मैं इंट्रोड्यूस कराती चलूं. सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम उमर भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं. आप दोनों को मैं गेम सेट मैच में खुश आमदीद कहती हूँ. सबसे पहले तो उमर, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी इस चीज़ पे कि आपकी टीम ने इवेंचुअली, ठीक है हम एशिया कप में हमारा सफ़र ख़त्म हुआ, हम वर्ल्ड कप में नहीं जा सके, बट कंपेरेटिवली पहले मैच से आखिरी तीसरे मैच तक जो है वो परफॉर्मेंसेज बेहतर हुई. आगे क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, हम उस पर आगे बात करेंगे, बट सबसे पहले परफॉर्मेंसेज बेहतर हुई. हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही है कि परफॉर्मेंस जो हमारी मैच के बाद से बेहतर हुई है. इंडिया के मैच में भी टीम ने काफ़ी चांसेस क्रिएट किए हैं और अनफॉर्चुनेटली उसमें सक्सेस नहीं आ सकी. उसके बाद हमारा जो गेम इंडोनेशिया के साथ भी है वो भी बेहतर रहा, और जापान के साथ भी हमारा जो मैच है वो काफ़ी बेहतर रहा, जिसमें से हमने चांसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट किए हुए लेकिन वो गोल स्कोर नहीं हो पाए. लाइक 30 पेनिट्रेशन है हमारी, और उसके अलावा जो 18 हमारी जो 18 अटेम्प्ट हैं ऑन पोल, तो अनफॉर्चुनेटली उसमें जो है वो हम उसको गोल में तब्दील नहीं कर पाए, और कुछ मिस्टेक्स हो गई एज ए टीम. लाइक दो गोल जिसमें से हमारे दो गोल रिवर्ट हो गए, वापसी से हो गए, और मैं समझता हूँ कि टीम ने काफ़ी मेहनत की और टीम ने जितना उसके अंदर था सब कुछ अपने लड़कों ने अपनी मतलब पूरी एनर्जी और अपना 100% दिया कि हम जो है उस मैच को जो है विन कर सकें या टीम ड्रॉ कर सकें. अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि वो हम इसमें सक्सेस नहीं पा सके कि हम इसको अच्छे तरीके से फिनिश करें. लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैच जो मतलब कि इतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन करना और इतने ज़्यादा चांस क्रिएट करना, तो मैं समझता हूँ कि अचीवमेंट है. इससे पहले भी शायद मे बी इस तरह की जो है वो परफॉर्मेंस ना आई. आसिफ बाजवा साहब, ज़ाहिर है कल के मैच में क्या हुआ, टेक्निकल इश्यूज़, वो टेक्निकल ब्लंडर, ज़ाहिर है इस डिस्कशन के ऊपर तो हम आएंगे, लेकिन जैसे कि वो शायर ने कहा ना, फैज़ ने कहा कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है. डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज आपसे हमने गुज़श्ता दिनों दो दफ़ा प्रोग्राम में आपने टाइम निकाला हमारे लिए, एंड वी आर वेरी होपफुल अबाउट दिस क्वालिफिकेशन टू द वर्ल्ड कप. सो ज़ाहिर है अफसोस तो होगा, लेकिन ये कह देना कि जी बस अब ख़त्म, गेम ओवर, ना उम्मीदी तो नहीं आई ना अभी.
थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है किसी भी टीम के लिए, किसी भी नेशनल टीम के लिए किसी बड़े इवेंट का हिस्सा ना होना बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, और स्पेशली जब आप वर्ल्ड कप से बाहर होते हैं तो एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, और जिसके लिए मैं समझता हूँ कि जितनी आपको डिसअपॉइंटमेंट है उतनी ही उससे ज्यादा कहीं ज्यादा मुझे डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपने बड़े मीगर रिसोर्सेज में अपने लड़कों को तमाम वो सहूलियात मुयसर करने की कोशिश की जो दुनिया की वर्ल्ड क्लास टीमों को मुयसर हैं। हम हॉलैंड से कोच लेके आए, हम हॉलैंड से गोलकीपर कोच लेके आए, हमने हॉलैंड का ड्रैग फिलकर हायर किया अपनी टीम के लिए, हम ऑस्ट्रेलिया से उनके लिए जो है फिजिकल ट्रेनर लेके आए, लड़कों को हमने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिए, लड़कों के डेली अलाउंसेस को इनहेंस किया हमने, लड़कों को बेहतरीन एनवायरनमेंट दिया, लंबे कैंप्स लगाए हमने, यूरोप टूर करवाया इस एशिया कप से पहले, हालांकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते लेकिन हमने तमाम वो रिसोर्सेज जो अवेलेबल थे वो लड़कों के ऊपर लगा दिए कि ये अच्छा परफॉर्म करें। और मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं जो सबसे बड़ी मायूसी की बात ये है कि लड़कों ने परफॉर्म भी किया, लड़कों ने गेम में भी बहुत बेहतरी आई, और हमें ये उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी टेक्नोक्रेट्स हैं पाकिस्तान में हॉकी खेलने वाले हैं, हॉकी देखने वाले हैं, उन सब ने देखा कि लड़कों ने बड़ी मेहनत की, लड़कों में एक डेफिनेट इंप्रूवमेंट आई है हर शोबे में। अनफॉर्चुनेटली ये सारी बातों के बावजूद हम क्वालिफाई नहीं कर सके, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। हैविंग सेड दैट, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि इस डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद मेरी पूरी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान हॉकी इज बैक ऑन ट्रैक, पाकिस्तान हॉकी पूरे जोरों शोर से अपनी इंटरनेशनल हॉकी में वापसी कर रही है, और लड़कों ने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है इन पिछले 4-5 महीनों में, जो है एक मेजर इम्प्रूवमेंट आई है लड़कों में। तो मैं यहाँ पे अपनी टीम को, अपनी टीम मैनेजमेंट को और पाकिस्तान हॉकी फैंस को ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो अपना हार्डवर्क जारी रखेगी, क्योंकि इसके बगैर जो है आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यू हैव टू गिव योर 100%, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी हॉकी में बहुत बड़ी तारीख है, हॉकी में बड़ी सुनहरी फतवात है हमारी। तो टू गेट बैक टू दैट पॉइंट हमें इस वक्त स्ट्रांग होने की जरूरत है, हमें अपने लड़कों को पैक करने की जरूरत है, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एज अ सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मैं अपनी टीम को सपोर्ट करता हूं और उनके पीछे खड़ा हूं, और मैं यकीन दिलाता हूं उनको कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इन बच्चों को बैक करेगी ताकि आने वाले फ्यूचर टूर्नामेंट में इससे भी बिल्कुल बैक तो करना चाहिए। जाहिर सी बात है कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि आप यूं यूरोप भेजेंगे यूं वापस आएगी टीम और यूं तैयार हो जाएगी टीम, मगर उमर मैं आपसे जानना चाहूंगी जो कि बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे जो भी कंटिन्यूटी में पाकिस्तान हॉकी फॉलो कर रहे थे, क्या हुआ जापान के अगेंस्ट, मतलब किसको ब्लेम किया जाए इस बात पे? ऑब्वियसली आप तो फील्ड में अंदर थे, 12 खिलाड़ी एक साथ फील्ड में होना ये तो मुझे लगता है कि एक ऐसा क्रिमिनल एक्ट है, ये शायद मैं जब से हॉकी देख रही हूँ मैंने इस किस्म का फाउल नहीं देखा। क्या हुआ, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्या गलती हुई, ये हुआ कैसे? असल में ऐसा मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है इस टूर्नामेंट में भी, ये पहले हमारे मैच के ऑलरेडी पहले मलेशिया और कोरिया का मैच हुआ था उसमें हो गया था, जिसके अंदर जो है वो प्लेयर जो है वो 12 चले गए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम पहले जो हॉकी में चेंजेस होती थी जिसके अंदर आप जो है वो नंबर कार्ड होता था, अगर नंबर कार्ड से आप रिप्लेसमेंट लेते थे, उसके बाद वो नंबर कार्ड रखने के बाद एक सिंपल कार्ड रह गया था, आप कार्ड हैंड ओवर करते थे और रिप्लेस करते थे। तो अब जो रूल है वो सिर्फ आपने हैंडशेक करना है या आपने सिर्फ फेस टू फेस जैसे देखना है कि आपको पता तो रिप्लेसमेंट हो। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उसमें मैं समझता हूँ कि इसमें कोई किसी को ब्लेम करने या किसी का इंटेंसिटी तो मैं कोई भी नहीं करता, और मैं एट द स्पॉट टीम अच्छा खेल रही थी और हम इस प्ले परफॉर्म सारे प्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो वो एक जिसे कहते हैं कि मेंशनली कुछ नहीं हुआ, वो मिसअंडरस्टैंडिंग में पॉसिबल है कि एक जब इंटरचेंज हुई तो उसमें एक या दो बंदे या बंदा जो है वो अंदर चला गया। तो मैं समझता हूँ इंटेंशनली कभी भी नहीं होता और ना ही कोई करता, क्योंकि उसका जो है वो नुकसान आपकी टीम को होता है या टीम कैप्टन को उसकी जो पनिशमेंट होती है उसको आप कार्ड दे के बाहर भेजना पड़ता। तो उमर ये बताइए यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा इस पूरे सिचुएशन से ज़रा हमको लेकर चलें। हमें ऐसा लगा कि जी ये नोट हुआ, गालबन बाहर से किसी ने पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान के 12 खिलाड़ी थे,
जिस पे आपको जो है वो कार्ड दिखा के बाहर भेजा जा रहा था, तो पाकिस्तान वॉज गोइंग शॉर्ट बाय वन प्लेयर, हमने वीडियो रेफरल लिया, ये जो हमारा गोल रिवर्स हुआ है, क्या ये इस वीडियो रेफरल की वजह से हुआ था कि एक डबल वैमी सिचुएशन पाकिस्तान की हो गई, या ये गोल रिवर्स होना ही था? बिकॉज बड़ा डिटेल्ड डिस्कशन फील्ड जूरी के साथ हुआ है, जरा इस पूरे सिनेरियो से हमें लेकर तो चलें, हुआ क्या? असल में इसका ये, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इसका जो रूल है वो रूल रेगुलेशन है, इसमें जो एफआईएचपी रूल बुक है ना, तो उसके अंदर इसका रूल है बकायदा। इसकी वजह ये है कि जाहिर बात है कि ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए उन्होंने इसका रूल और इसकी पनिशमेंट इसमें बताई हुई है कि अगर कोई ऐसा हो जाए प्रॉब्लम तो उसकी एक पनिशमेंट होती है। असल में बेसिकली हुआ ये कि जब गोल हो गया, हमारा गोल होने के बाद उसके बाद मैच स्टार्ट नहीं हुआ, अगर वो मैच स्टार्ट हो जाता दोबारा तो फिर ये गोल रिवर्स नहीं होना था। जैसे ही हमने गोल किया तो उसके बाद टीटी या जो मैनेजमेंट जो बाहर होती है, जो आप देख सकते हैं एम्पायर, उनके बाद थर्ड एम्पायर जो होते हैं वो इस चीज को नोट कर रहे होते हैं। उन्होंने अनफॉर्चुनेटली काफी देर लगा दिया, हालांकि मे बी उन्होंने उसको पॉइंट आउट जो है वो अगर टाइम पे करते तो शायद हम उसको रिवर्स कर लेते या एक प्लेयर को हम बाहर कर लेते। तो जब मैच स्टार्ट नहीं हुआ तो उस एट द स्पॉट जो है वो अंपायर ने बाहर से जो इनकी जो मैन जो टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं उसमें से एक बंदे ने बताया कि ये प्लेयर एक्स्ट्रा हो गए, और अनफॉर्चुनेटली वो ही टाइम था जब हमने गोल स्कोर किया, और गोल स्कोर करने के बाद मैच दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाया। अगर मैच दोबारा स्टार्ट हो जाता तो उसमें मुझे जरूर कार्ड हो सकता था, लेकिन गोल रिवर्स नहीं हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट द स्पॉट ही उनके जो टेक्निकल ऑफिशियल हैं उस वक्त आए कि जब जो गोल हमने स्कोर किया और उसी वक्त उन्होंने टाइम आउट दे के ये और इस गेम को रोक दिया और गोल जो है रिवर्स हो गया और मुझे येलो कार्ड। उमर, आप कह रहे हैं कि उन्होंने देर लगा दी बताने में, ये हमारे वाले क्या कर रहे थे, हमारे कोच क्या कर रहे थे, हमारे मैनेजर क्या कर रहे थे, उनको कैसे नहीं पता चला कि उनके 12 लड़के फील्ड में? बट खैर ख्वाजा साहब, मैं जो है आसिफ बाजवा साहब आपकी तरफ जरूर आऊंगी। आसिफ साहब, मैं अब वर्ल्ड कप की बात करूँ तो एक दफा फिर से पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बन रही, इट हैज बीन कंसेक्यूटिव नाउ। और अब मैं ये देखती हूँ कि अगर मैं आपकी बात करूँ, आप बहुत अरसे से PHF में हैं, क्या ये एक बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है कि आपके अंडर रेगुलरिटी में पाकिस्तान हॉकी टीम डिस्क्वालीफाई कर रही है, वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही है, ओलंपिक्स में नहीं जा रही है? नहीं, ये पहली दफा हुआ है मेरे होते हुए। मैं जब भी सेक्रेटरी आया हूँ, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई किया और ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया। अनफॉर्चुनेटली मैं जब आया हूँ इस दफा सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, तो मुझे जो टीम मिली वो 18वीं रैंकिंग की टीम मिली थी। और आपको याद है कि 2019 को मैंने ओहदा संभाला है इसका, और उस दौर से लेके अभी जस्ट 6 महीने पहले तक पेंडेमिक में थे हम। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने असल काम जो है वो सिर्फ तकरीबन 6 महीने पहले शुरू किया है, जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से किया है। और फिर मैं आप सबको इसमें लूप में लेता रहा हूँ कि व्हाट वी आर डूइंग और हमारे क्या प्लान्स है। तो ये एक नई टीम हमने बनाई है जिसमें 7 लड़कों ने डेब्यू किया है यूरोप टूर में, और उससे पहले भी 4-5 लड़कों ने डेब्यू किया था, जो हमारा एक मैच हुआ था 2019 में उसमें। तो इट्स अ वेरी यंग टीम जिसमें 4 या 5 ऐसे लड़के हैं जिसमें उमर भट्टा शामिल है, जो एक्सपीरियंस है, जिनके पास 150-200 मैचेस हैं। तो हमने एक फ्रेश स्टार्ट किया है और मैं बड़ा होपफुल हूँ। मैं यही तो डिसअपॉइंटमेंट जो मैं कह रहा था, मुझे सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट यह है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो प्लानिंग की थी उसके मुताबिक लड़कों की इम्प्रूवमेंट है बहुत ज्यादा, बट एट द सेम टाइम एक डिसअपॉइंटमेंट आई है बहुत बड़ी। ठीक है, और ये सिर्फ सफर जो है हमारा बहुत छोटा सफर है, अभी इस टीम ने आगे चलना है। अभी हमने एशियन गेम्स खेलनी है, कॉमनवेल्थ गेम्स खेलनी है, अभी हमने एक 8 नेशन टूर्नामेंट खेलना है इस साल में। तो अभी बड़ा सफर है हमारे पास इसको जज करने के लिए। ये बिल्कुल स्टार्ट में ही हमें सेटबैक हो गया, विच इज आई थिंक जो इस वक्त सबसे बड़ी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए चैलेंज है कि हमने अपनी टीम को, हमने लड़कों को बैक करना है, क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट इनको सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि होप्स लड़कों से होती हैं। तो सवेरा मैं यहाँ पे बिल्कुल इस चीज को एडमिट करता हूँ कि जो भी प्लानिंग होती है अगर उसमें कोई लूपहोल्स हो तो आप हम पे क्रिटिसाइज करें कि हमने लड़कों को ट्रेनिंग सही नहीं करवाई, हमने लड़कों को कोचेस सही मुहैया नहीं किए, लड़कों को टाइम पे हमने जो है वो टूर नहीं दिए, ट्रेनिंग टूर नहीं दिए।
जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ह्यूमनली पॉसिबल था, जितने रिसोर्सेज थे हमने उससे ज्यादा काम करने की कोशिश की है, और रेस्ट अश्योर कि पाकिस्तान टीम में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। एक सेटबैक जरूर हुआ है, आप देखें पूरे एशिया कप में पाकिस्तान टीम का खेल जो है वो किसी भी टीम से कम नहीं था, बल्कि बेहतर खेल था। आप बेशक हम एक मैच हार रहे हैं जापान से, बट दैट डजंट मीन कि जापान हमसे अच्छा खेली है। आखिरी दो क्वार्टर्स में सेकंड हाफ में ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान के अलावा दूसरी टीम खड़ी नहीं है, बट इट वाज सो अनफॉर्चुनेट। 30 हमारी एंट्री हुई है उनके गोल पोस्ट में, 18 हमने शॉर्ट ऑन गोल किए हैं और एक गोल भी हम उसमें कामयाब। बाजवा साहब यहाँ पे, हाँ ये एक्चुअली सर सब बिल्कुल कदा कलामी की माजरत, ये बल्कि एक और तरफ इशारा करता है जिस पर हम थोड़ी देर इस ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। सो शॉर्ट ब्रेक, आप प्लीज दोनों हमारे साथ रहेगा बिकॉज वी नीड टू कंक्लूड दिस डिस्कशन। ऑफ कोर्स फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं हॉकी के हवाले से, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारे साथ इस वक्त जारी है। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान, इसके अलावा पीएचएफ के सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं लाइव। अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी जारी है, हमारे साथ कैप्टन पाकिस्तान हॉकी टीम उमर भुट्टा मौजूद हैं, सेक्रेटरी पीएचएफ आसिफ बाजवा साहब मौजूद हैं, और पाकिस्तान हॉकी ने अभी क्या किया एशिया कप में उसके हवाले से हमारी डिस्कशन जो है वो ज़रूर आगे हम उसको बढ़ाएंगे। बट बिफोर दैट कि हम उस डिस्कशन को आगे बढ़ाएँ, रशीदुल हसन साहब फॉर्मर ओलंपियन हमारे, उनसे हमारी डिस्कशन हुई, हमारे कोरस्पॉन्डेंट की डिस्कशन हुई, उन्होंने क्या कहा, वो कितना नाराज हैं, उनको क्या रिजर्वेशंस हैं, आइए देखते हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि एक ऐसी चीज पाकिस्तान की हॉकी की हिस्ट्री में हुई है, बल्कि दुनिया की हिस्ट्री में मेरा ख्याल पहली दफा हुआ होगा कि 11 प्लेयर की जगह मैनेजमेंट ने 12 प्लेयर उतार दिए, और उसी वक्त पाकिस्तान ने जापान की टीम के खिलाफ तीसरा गोल कर दिया। अगर जापान के खिलाफ पाकिस्तान की टीम बराबर भी खेलती तो वो क्वालिफाई कर लेती। ये बहुत ही नाहली है पाकिस्तान की मैनेजमेंट की जो वहाँ खिला रहे थे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पिछले 7-8 साल से 10 साल से यही लोग बैठे हुए हैं फेडरेशन में, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट, और इनको फौरी तौर पर इनको इस्तीफा देना चाहिए या इनके खिलाफ फौरी एक्शन ले। पैटर्न चीफ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के पास पावर है कि वो इनको अपना जो है निकाल सकते हैं। इनको निकाल कर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में कोई ईमानदार और सही फैसले करने वाले और सख्त फैसले करने वाले लोग लेकर आए। स्पेशली जो आसिफ बाजवा सेक्रेटरी है, इसके खिलाफ ड्यूरिंग जो इसका पहला टेन्योर था, इनके खिलाफ ह्यूमन स्मगलिंग की FIR भी कटी हुई है। और इसलिए क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं है साफ सुथरा जिसको इतनी मौत पर सीट के ऊपर, जिसने सारी फेडरेशन को चलाना होता है, किसी रेपुटेशन वाले बंदे को लेकर आए? वाओ अमेजिंग, ये तो बहुत ही सख्त किस्म के इल्जाम लगाए। और चले इनका ये दावा इनएफिशिएंसी का या जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, बट यहाँ पे तो काफ़ी सीरियस कैरेक्टर के ऊपर और ये इल्जाम लगाए गए हैं। आसिफ बाजवा साहब, मेरे ख्याल से आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही होगी, और आप फिर रशीदुल हसन साहब ने जो ये बातें की हैं, काफ़ी सख्त क्रिटिसिज्म का इन्होंने जो है वो निशाना बनाया है PHF के अहदेदारों को। सो कोई आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इस पे? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रशीदुल हसन वो आदमी है जिन पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैन लगाया है थ्रू PHF, ठीक है, क्योंकि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी यही बातें की थी, और ये इनकी आदत है, ये इस तरह के इल्जाम लगाते रहते हैं और इनको इनके इसके अलावा कोई काम नहीं आता, और ये इल्जाम भी रात को 10 बजे के बाद लगाते हैं, उससे पहले ये इल्जाम नहीं लगाते, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर हैं, इतनी जो करेंगे तो उसका जवाब देने की जरूरत नहीं होती। थोड़ी सी डिस्कनेक्टिविटी हो रही है आपकी आवाज जो है वो, मुझे सिर्फ ये बात समझ आई कि
ऐसा जवाब देना, किसी को ऐसा जवाब, इस पे जवाब ही नहीं देना चाहिए और बिलो दी बेल्ट हिट नहीं करना चाहिए। आई बिलीव आपने यही कहा था, जो मैं रिपीट कर रही हूँ आपकी बात। जी बिल्कुल, मैं ये चाह रहा हूँ कि इतना इतनी बिलो दी बेल्ट जो बातें होती हैं उनका जवाब देना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि लोग सुन रहे होते हैं और बंदे का करेक्टर जो है वो उसकी बातचीत से झलक रहा होता है कि वो किस समाज का आदमी है। तो मैं इन चीजों का जवाब नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि आप जब इस हेलम ऑफ अफेयर में होते हैं तो यहाँ पे अदारे काम करते हैं और अदारे आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये जो बातें कर रहे हैं इनका इससे कोई लेना देना नहीं है जो ये परफॉर्मेंस हुई है, ठीक है। और ये जो पहली बात है कि मिसमैनेजमेंट हुई है, अभी उमर भुट्टा ने आपको बताया कि इसी टूर्नामेंट में मलेशिया के मैच में भी ये हुआ है और इससे पहले भी कई मिसालें हैं। तो एक आउटराइट स्टेटमेंट दे देना कि मैंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा, जब रोलिंग सब्स्टिट्यूट होती हैं तो उसमें ये कंफ्यूजन आती हैं, और इसमें रूल्स बड़े क्लियर हैं। इफ अगर ये गोल हो जाता और मैच रीस्टार्ट हो जाता तो ये गोल वापस कभी भी, अनफॉर्चुनेटली वो मैच रीस्टार्ट नहीं हुआ। जब काउंटडाउन काउंट हुआ तो हमारे लड़का एक ज्यादा था, जिसकी वजह से अंपायर ने अपना फैसला बदला, और इसके अलावा भी एक गोल पाकिस्तान ने किया था जो डिसअलाउ किया रेफरल के बाद। तो पाकिस्तान के खेल के बारे में बात होनी चाहिए, पाकिस्तान अच्छा खेला या बुरा खेला इस पे तो बहस हो सकती है, लेकिन आप इन चीजों को छोड़ के अगर आप पर्सनल करेक्टर एसेसिनेशन करेंगे तो इस बात का जवाब देना मैं पसंद नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा ख्याल से जो है बिलो दी बेल्ट स्टेटमेंट पे वाकई आपको जवाब नहीं देना चाहिए, आप सही कह रहे हैं। उमर, कमिंग बैक टू यू, अगर मैं अब आपसे पूछूं, टीम को मिली सारी फैसिलिटीज, बाजवा साहब ने भी बताया कि जितना फैसिलिटेट किया जा सकता था किया गया है, आपके लिए फॉरेन कोच, बार बार एक बात हो रही है जी फॉरेन कोच हैं, एंड आई बिलीव कि एक्मन ने बहुत अच्छा काम किया है, जितनी आप लोगों में इम्प्रूवमेंट दिखी वो दिखी, बट साथ ही साथ कुछ जो ड्रॉबैक्स थे, कुछ जो मसले थे, मैं अगर इंडिया के मैच की बात करूं तो पेनल्टी कॉर्नर्स में मुझे ऐसा लगा कि कोई था ही नहीं, मतलब हमें शिद्दत से सुहेल अब्बास याद आए, वो देख करके कहां हम किस किस तरह के हमारे पास पास में प्लेयर्स रहे हैं। आपको लगता है इन चीज़ों पर बहुत काम करना पड़ेगा अभी पाकिस्तान टीम? इससे पहले मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि लास्ट जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया जिसमें मैंने आपको कहा था कि डिले वाली बात को आपने ये कह दिया कि मैनेजमेंट डिले, ऐसा नहीं होता, ये जरा क्लियर करना चाहूंगा। इसमें जो ये इंटरचेंज होती है ये इतनी रैपिडली होती है, इतनी तेजी के साथ होती है, और इसके लिए पेपर होता है, पेपर जो मैनेजमेंट जो पहले से होता है उसमें हर प्लेयर ने अपना टाइम और हर टाइम देखना होता है, और अपने प्लेयर को जिसको उसने चेंज करना होता है उसको उसने उसी को भी चेंज करना होता है टाइम पे, और एक एक टाइम में छह सात प्लेयर चेंज होते हैं क्योंकि हॉकी बहुत फास्ट गेम है। तो मैं फिर ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो चेंजिंग है, और इसी टूर्नामेंट में अभी इंसिडेंट हमारे मैच से पहले ही ये कोरिया और मलेशिया के मैच में भी पॉसिबल मतलब हुआ है, और ये चेंजिंग जो है उसकी जो मतलब के हो जाता है, ये मतलब के बाद ऐसे होता है कि प्लेयर इजाफी चला जाता है क्योंकि तेजी से रैपिडली चेंजिंग होती है तो ऐसा हो जाता है। अब मैं आपकी क्वेश्चन की तरफ आऊँ, बिल्कुल पीएचएफ में जी जो फैसिलिटीज उनकी थी, उनके रिसोर्सेज थे, उन्होंने उस रिसोर्सेज से ज्यादा जा के जो है वो प्लेयरों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की है, जिसमें यूरोप टूर भी है और मतलब के जो भी फैसिलिटीज है, सेंट्रल कॉन्टैक्ट है, ऑल द थिंग्स। आई थिंक उमर के साथ हमारे कुछ कनेक्शन का इशू है। आसिफ साहब, आपकी वापस आता हूँ, एक चीज़ जो ज़ाहिर है आप प्लेयर रहे हैं और आप शायद ज़्यादा बेहतर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमने एज व्यूअर्स नोट की है इस मैच में, तीनों मैचेस में अगर हम बात करें, इंडोनेशिया के मैच को हम साइड पे कर देते हैं बिकॉज दैट वॉज अ वेरी वीक साइड, लेकिन इंडिया और जापान के मैच में खासतौर से पाकिस्तान ने मिडफील्ड को डोमिनेट किया है, क्या बल्कि हम चेक करना चाहेंगे कि क्या ये एक्मैन का कोचिंग का स्टाइल है क्या, कि मिडफील्ड को डोमिनेट करके हम सर्किल पेनिट्रेशंस भी हो रही हैं बट फिनिशिंग पाकिस्तान की बहुत वीक नज़र आई है। आई थिंक 30 सर्किल पेनिट्रेशंस कल पाकिस्तान ने किए हैं और रिजल्ट्स आपके सामने, सो कुछ कोचिंग का यहाँ पे आता है या इनका स्टाइल ही ऐसा है, व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव दिस? नहीं, ये मैंने शायद लास्ट प्रोग्राम में भी आपको कहा था कि जो टीम साल में 35 से 40 मैच नहीं खेलती इसकी चीजें नजर आएंगी। द गुड थिंग इज कि पाकिस्तान ने डोमिनेट करना शुरू किया है, डी पेनिट्रेशन शुरू किए हैं, शॉट ऑन गोल किए हैं, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप मैचेस खेलते हैं, एवरी मैच जो हर मैच होता है उसके बाद प्लेयर में इंप्रूवमेंट आती है।
तो ये मैंने जैसे बताया कि इस यूरोप टूर पे 7 लड़कों ने डेब्यू किया है और जो मैक्सिमम मिसिंग हुई है उन्हीं 7 लड़कों ने की है, तो उनको टाइम रिक्वायर्ड है। आप लोग जो हम हॉकी खेलते हैं या हॉकी खिलाते हैं, हमें इस बात का एहसास है कि जब तक इन प्लेयरों को हम मैक्सिमम मैचेस नहीं देंगे ये इस किस्म की गलतियां करेंगे। और बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने के बाद जब आप आते हैं तो उसके बाद इंप्रूवमेंट आती है, तो ये शेयर इन एक्सपीरियंस होने की वजह से ये सारे काम हुए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान हॉकी टीम में बड़ी जान आ रही है, पाकिस्तान हॉकी टीम बिल्ड हो रही है और पाकिस्तान हॉकी टीम ने खेलना शुरू किया है। मैं आपको पिछले 7-8 साल का आपको बता दूं कि पाकिस्तान हॉकी ने कहीं पार्टिसिपेट ही नहीं किया, पहली दफा है कि पाकिस्तान हॉकी टीम रेगुलरली पार्टिसिपेट करना शुरू हुई है टूर्नामेंट्स में। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपसे गलतियां भी होनी है, आपने अच्छा भी खेलना है बुरा भी खेलना है। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ ताकि ये पूरी कौम को पता चले कि पाकिस्तान हॉकी ने बड़ी देर के बाद मेन स्ट्रीम में आने के लिए कोशिश शुरू की है और इंशाल्लाह ताला इस कोशिश में हम किस हद तक कामयाब हुए हैं या नहीं ये 1.5 साल बाद आप इसको कर सकते हैं। आप 6 महीने की टीम को आप एनालिसिस नहीं कर सकते कि 6 महीने के अंदर अंदर ये टीम जो है वो बिल्ड होके वर्ल्ड कप जीतेगी, इतना नहीं होना। आसिफ साहब ये कोशिश है, इसका एक टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन के बगैर आप नहीं कर सकते ये सारा कुछ। ये कोशिश जारी रखनी चाहिए और जब आप पहले भी आए थे इस टीम की बेहतरी का दिन होगा। जब आप पहले भी आए थे इस प्लेटफॉर्म पे हमने यही कहा था कि हम आपके साथ भी करेंगे, हम भी कनेक्टेड रहेंगे, गेम सेट मैच की टीम समा की टीम भी कनेक्टेड रहेगी, हम मुसलसल हॉकी को फॉलो अप करेंगे, ये हमने आपसे वादा किया था और हम करेंगे। मगर ऐसा नहीं होगा कि जहां कुछ गलत हो रहा होगा वहां हम उस हवाले से बात नहीं करेंगे। बट हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं आसिफ साहब, बट जाते जाते मैं ज़रूर आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ और वापस आऊँगी तो आपसे उसका जवाब लूँगी। जब टीम बनती है, जब टीम सिलेक्ट होती है तो आपका कितना इनपुट होता है उस टीम में, कितने लड़के आपकी मर्जी से खेलते हैं और कितने लड़के सिलेक्टर्स की मर्जी से खेलते हैं। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से इसी जवाब से फिर से शुरू करेंगे अपनी डिस्कशन। फिर से खुशामदीद, डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान हॉकी के हवाले से और एक सवाल मैंने ज़रूर आसिफ बाजवा साहब से पूछा था, बट बिफोर हिज आंसर मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी एक और गेस्ट जो हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं, दी मैनेजर ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम ख्वाजा जुनेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद साहब, गेम सेट मैच में बहुत बहुत खुशामदीद, क्या हो रहा है ख्वाजा साहब, आप ही को क्यों ब्लेम कर रहे हैं सब ये 12 प्लेयर फील्ड में जाने के लिए? ख्वाजा साहब आवाज आ रही है आपको? ख्वाजा साहब कैन यू हियर अस? नहीं, मेरा ख्याल से कनेक्टिविटी का इशू है। आई थिंक हम बाजवा साहब के पास वापस जाते हैं और बाजवा साहब आपसे सवाल पूछ रही थी ब्रेक में जाने से पहले सवेरा और वही जानना चाह रही थी कि टीम सिलेक्शन में सिलेक्शन कमेटी का क्या रोल होता है। कुछ ये भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि जी एक रबर स्टैम्प सिलेक्शन कमेटी यहाँ पर मौजूद है और उनको नहीं दी जाती है फ्रीडम कि वो खिलाड़ी अपनी पसंद के सेलेक्ट कर सकें। देखें, इसके दो मरले होते हैं। पहला मरला ये होता है कि एक बड़ा ग्रुप जो है वो बनना होता है जिसमें 35-40 लड़के जो है वो आते हैं और उसमें सिलेक्शन कमेटी की 100% इनपुट होती है और उसमें कोचेज की भी होती है। उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग होती है, उसमें भी सिलेक्शन कमेटी इन्वॉल्व होती है। लेकिन जब 18 या 20 लड़के बनते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज होती है डिस्कशन में वो कोचेस की होती है, जिसने टीम खिलानी होती है, जिसने ट्रेनिंग करवाई होती है, तो उसको इंडोर्स किया जाता है। पूरी सिलेक्शन कमेटी आती है और उसको इंडोर्स करती है और प्रेजिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उसकी अप्रूवल देते हैं। ऑब्वियसली एज अ सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, क्योंकि हम भी हॉकी खेले हुए टेक्नोक्रेट, हमारा भी फीडबैक उसमें शामिल होता है, तो फैसिलिटेट किया जाता है कोचिंग टीम को। वो टीम मैनेजमेंट जो होती है उसकी बातों को वेटेज मिलती है सबसे ज्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली खिलाना उन्होंने है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, तो हम उनके फैसिलिटेट होते हैं जिसमें सेलेक्टर्स भी शामिल होते हैं और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेजिडेंट
शामिल होते हैं। तो एक तरीका कार है ये, इस किस्म की जो बातें होती हैं जब सारा सिलेक्टर्स पे, टीम मैनेजमेंट पे और फेडरेशन पे डाला जाता है, जब जीत जाते हैं तो सिर्फ लड़कों की बात, लड़के बड़े अच्छा खेले हैं, तो ये चीजें मेरा ख्याल है अब काफी मेजोरिटी आ जानी चाहिए हमारे मीडिया में भी और क्रिटिसाइज करने वाले हमारे टेक्नोक्रेट्स में भी, कि आप क्रिटिसाइज उस वक्त करें जब फेडरेशन के पार्ट पे कोई नहली हो, जिसमें आपकी टीम ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हुई, आपके कैंप्स प्रॉपर नहीं लगे, आप उनको फैसिलिटेट करने में नाकाम हो गए हैं। तो जब आप उनको अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, उनकी 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 ट्रेनिंग भी सही हो रही है, उनको ह्यूमन रिसोर्स भी आपने दे दिया, उनका खाना पीना भी ठीक है, उनको कोई पैसों का भी मसला नहीं हो रहा, तो फिर ये चीज़ें जो है ये पॉजिटिव साइड शो करती हैं मैनेजमेंट की। अब परफॉर्म क्योंकि लड़कों ने करना, मैं आपको यहीं पे रोकूंगी, पैसों का मसला नहीं हो रहा, आपने आसिफ साहब का क्या डीए है हमारी टीम का, डेली अलाउंस क्या मिलता है लड़कों को? देखिए ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम मीडिया में डिस्क्लोज, सर मैं बता देती हूँ, $10 मिलते हैं, $10 डेली अलाउंस मिलता है, ₹2,000। बिल्कुल गलत कह रही हैं आप, जब ये फ्रंट ओवर पे होते हैं उनको काफी पैसे मिलते हैं, पता नहीं फिर तो ये लड़के झूठ बोलते हैं आपके, शायद मुझे नहीं पता। बाजवा साहब, एक ज़माना था कि जहाँ पाकिस्तान के डिफरेंट हॉकी की नर्सरीज हुआ करती थी, आप खुद जहाँ से ताल्लुक रखते हैं वो हो गया, गोजरा हो गया, एक ज़माने में कराची से बड़े प्लेयर्स आया करते थे पाकिस्तान में हॉकी खेलने के लिए, और पाकिस्तान के खिलाड़ी के कराची से आने वाले पाकिस्तान में कुछ बड़े नामवर खिलाड़ी यहाँ से पैदा हुए हैं, कराची के लड़के अब नज़र नहीं आते हैं स्क्वाड में, ये क्या हुआ है, क्या फोकस कम हो गया है या कुछ, अगर आप इस पर रोशनी डालना चाहें। आपने कभी कराची के जो स्टालवर्ट्स हैं उनसे कभी ये क्वेश्चन किया आपने? जी हमने किया है बिल्कुल, और हमने उनसे कोई हमें ऐसा जवाब नहीं मिला, थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंटमेंट वाला जवाब मिला, इसलिए हमने आपसे ये सवाल पूछा। देखें बात पता है क्या है, ये अनफॉर्चुनेटली जी बात पता है बड़ी सिंपल सी है कि बच्चों के लिए एक ऑटोमेटिक चॉइस बनती है, कोई भी स्पोर्ट्स जो है वो उसके चूज करने की उसको चूज करने की कोई वजह होनी चाहिए उनके पास। तो इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट जो है वो द वेरी इजी स्पोर्ट्स एज फार एज फिटनेस इज कंसर्न, तो इट्स अ लेयर स्पोर्ट्स और अलॉन्ग विद दैट उसमें आप प्ले बॉय इमेज है आपका, आपको पैसा मिल रहा है, आपका फेम बन रहा है, तो लड़के जो है वो चूज कर रहे हैं क्रिकेट को ऑन अदर स्पोर्ट्स, इट्स नॉट जस्ट विद द हॉकी, लेकिन आपकी दूसरी स्पोर्ट्स भी इससे हर्ट हो रही हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप इन क्रिकेट एंड अदर स्पोर्ट्स जिसको ब्रिज करने की जरूरत है, जिसमें मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैन प्ले अ वाइटल रोल, हमारा मीडिया रोल प्ले कर सकता है, और हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो रोल प्ले कर सकते हैं कि वो दूसरी टीमों को भी और दूसरी स्पोर्ट्स को भी स्पॉन्सर करें। जब तक लड़कों की को ये फीलिंग नहीं आएगी कि उनका फ्यूचर सिक्योर है कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हुए, अगर वो प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट करते हैं, तो उस वक्त तक वो गेम पॉपुलर नहीं हो सकती। आज से पहले जब हम खेलते थे या हमसे पहले जो जनरेशन खेल रही थी उनको बड़ी बड़ी जॉब्स मिलती थी कस्टम्स में, PIA में, बैंक्स में, पुलिस में, तो एक बड़े बड़े डिपार्टमेंट तक कस्टम रिटायर हुआ है, कोई स्टेशन मैनेजर कराची रिटायर हुआ है, कोई स्टेशन मैनेजर मैनचेस्टर लगा हुआ है, तो उनकी बड़ी बड़ी जॉब्स थी जो अनफॉर्चुनेटली अब उस तरह लड़कों को नहीं मिल रही। तो जब तक लड़कों की वेलफेयर के लिए हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत वक्त स्टेप फॉरवर्ड नहीं करती, तो चैलेंजेस बड़े होंगे फेडरेशन के लिए भी और दूसरी स्पोर्ट्स के लिए भी। दिस इज अनफॉर्चुनेट पार्ट। कराची की आपने मुझसे बात की है, कराची में देखें कि इस वक्त 4 ग्राउंड्स हैं कराची में, KHA का ग्राउंड है, सलाउद्दीन साहब की एक अकेडमी है वहाँ पे, हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान है, इन चारों जगह पे तकरीबन 10 से 15 साल हो गए हैं हम अनफॉर्चुनेटली कोई लड़का प्रोड्यूस नहीं कर सके, विच इज अ क्वेश्चन मार्क कि यहाँ पे हम क्यों लड़के प्रोड्यूस नहीं कर सके, लेकिन मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला और मेरा ये ईमान है कि जब तक कराची, लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट से लड़के अच्छे नहीं आएंगे, तब तक पाकिस्तान हॉकी में बेहतरी जो है वो बड़ी मुश्किल से आएगी, क्योंकि जब भी इन शहरों से लड़के आते हैं उनका एक्सपोजर ज्यादा होता है, वो अच्छे इंटेलिजेंट प्लेयर होते हैं, तो वो पाकिस्तान हॉकी टीम की हमेशा परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। तो अभी मेरा ख्याल है रिसेंटली एक लड़का आया कराची से, शाहजेब खान, जो हॉकी 5 में लुजैन जाएगा, इनॉग्रल टूर्नामेंट हो रहा है,
तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि इससे एक तहरीक पैदा होगी कराची जैसे शहर के लिए भी और वहाँ से नए लड़के आएंगे। बिल्कुल जी, उम्मीद यही है कि आना शुरू हो, कराची से लड़के जरूरी हैं, ताकि बड़े बड़े शहरों से लड़के आना बहुत ज़रूरी है। बट वापस हमें ज्वाइन इन किया है दी मैनेजर ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम ख्वाजा जुनेद साहब। जी ख्वाजा साहब, शायद मेरा सवाल पहले आप तक पहुँचा नहीं था, ये जो सारा फियास्को हुआ जापान के अगेंस्ट खेलते हुए, सारा ब्लेम आपके ऊपर क्यों डाला जा रहा है ख्वाजा साहब? ख्वाजा साहब आप सुन सकते हैं हमें? ना अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से ख्वाजा साहब नज़र तो आते हैं, दीदार तो कराते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं कैमरा इधर उधर जो है ना वो चला जाता है। आसिफ बाजवा साहब, वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है, 2024 अब एशियन, अच्छा उमर भुट्टा हमारे साथ हैं, लेकिन उमर से अगर सवेर रफी हैव एनी क्वेश्चन, अदरवाइज आई नीड टू रैप अप वन क्वेश्चन फ्रॉम बाजवा साहब। आप बाजवा साहब से? हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए जी अब ये एशियन गेम्स तो हुआंगजो नहीं हो रहा है, वो तो अब आई थिंक अगले साल होंगे, कब होंगे हमें नहीं पता। वर्ल्ड कप अब हम नहीं खेल रहे, हमें कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने हैं, और उसके बाद द बिग वन 24 पेरिस ओलंपिक गेम्स, जिसके लिए एक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट, तो उसके लिए क्या रोड मैप बनाया गया हमने? बिकॉज वन बिग टूर्नामेंट, अब 2023 वर्ल्ड कप तो गया, 2024 ओलंपिक गेम्स के लिए क्या तैयारियां हम अभी से कर रहे हैं? ओलंपिक गेम्स में आपके पास दो चांसेस हैं, वन इज कॉन्टिनेंटल राउंड जो एशियन गेम्स होगा, उसमें एक टीम ने क्वालिफाई करना है, और जो उसके अलावा FIH ने दो राउंड बना दिए हैं जिसमें तीन तीन टीमें क्वालिफाई करेंगी, पांच कॉन्टिनेंटल टीमें होंगी, एक होस्ट होगा, और छह टीमें जो है वो क्वालिफाई करके आएंगी फ्रॉम टू कॉन्टिनेंट, जिसमें पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट करेगा, और अगर हम एशियन गेम्स जीत जाते हैं तो फिर हम डायरेक्ट क्वालिफाई कर देंगे फ्रॉम द एशियन गेम्स। सो देयर आर टू चांसेस फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ 2024 ओलंपिक्स, और उसके लिए हमने प्रेपरेशन की हुई है, हमने ये तैयारी जो है, ये बिल्डअप जितना भी हो रहा है ये हमारा जो है वो 2024 ओलंपिक्स के लिए है। अभी एशियन गेम्स होनी थी सितंबर में चाइना में, लेकिन वहाँ पे पेंडेमिक दोबारा सर उठा रहा है, तो उन्होंने इसको एक साल के लिए डेफर कर दिया है, पोस्टपोन कर दी है, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये एक अच्छी चीज है पाकिस्तान के लिए कि हमें प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। तो वी आर प्रिपेयरिंग आवर टीम फॉर 2024 ओलंपिक्स। जी उमर, जाते जाते मैं आपसे जरूर ये सवाल पूछना चाहूंगी, आप अब आगे कहां देखते हैं टीम पाकिस्तान को, आगे कहां कहां इंप्रूवमेंट के मार्जिन है? जाहिर सी बात है जहां फ्लॉस थे वो जरूर एक्सपोज हुई है पाकिस्तान टीम, मगर साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी रही, जहां गलतियां हुई वहां हमें बेहतरी भी दिखी है पाकिस्तान हॉकी टीम में। अब आगे व्हाट वुड बी नेक्स्ट फॉर यू एज अ कैप्टन ऑफ टीम पाकिस्तान एंड जो यंग लड़के आए हैं उनके लिए? आई थिंक फ्रीज हुआ है हमारा, अनफॉर्चुनेट आज शो का जो है इंडोनेशिया में इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है, ये बात हमें समझ में आ गई, डेफिनेटली सो इंटरनेट। लेकिन बहरहाल जी, थैंक यू सो मच आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आई थिंक आज सवेरा वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन ऑन हॉकी, एंड दैट रैप्स अप आवर डिस्कशन। हम वी वुड हैव लव्ड कि हम अगले प्रोग्राम में भी कोई मेडल पोजिशन और पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन को सेलिब्रेट करते वर्ल्ड कप, बट देन चलें जी, कम से कम बात करके इनसे अंदाजा ये होता है कि गलतियाँ जरूर हो रही हैं, बट देर इज सम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। Adil aur Savera ko ijazat dijiye, today was the last show of the week, wishing you all a wonderful weekend ahead, inshallah Monday phir hogi mulaqat, shaam mein aapse game set match mein, till then goodbye, love you.